दोस्तों, डिजी फॉन्ट्स को आपके पीसी में भी आसानी से चलाया जा सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। वैसे फोटोशॉप के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया है डिटेल में कैसे यूज़ करना है। अगर आपको कोरल ड्रॉ में यूज़ करना है तो प्रोसेस भी सेम है, लेकिन वहाँ पे कोरल ड्रॉ का ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। तो आज के इस वीडियो में कोरल ड्रॉ में किस तरीके से आप डिजी फॉन्ट्स को आसानी से चला सकते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस। मैं थोड़ा नया वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, X7 है मेरे पास। इससे भी और लेटेस्ट वर्जन है, वो भी आप काम में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे जो अपडेटेड वर्जन्स होते हैं उसमें और ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स का फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको आसानी से कैसे इसमें यूज़ करना है डिजी फॉन्ट्स को। सबसे पहले आपको टेक्स्ट में जाना है यहाँ पर, और ये जो इंसर्ट कैरेक्टर का ऑप्शन है इसे इनेबल कर देना है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली F11 प्रेस करके इसे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंसर्ट कैरेक्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यही काम करना है अब हमें। उसके बाद अब आपको जिस फॉन्ट पे काम करना है, याद रहे दोनों जगह पे एक ही फॉन्ट सेम सिलेक्टेड होना चाहिए। देखिए, मैं टेक्स्ट टूल यहाँ पे ले लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो एरियल लिखा है फॉन्ट सेक्शन, यहाँ पे मैं डिजी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डिजी कैली 01 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी हमें डिजी कैली 01 ही सिलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे है ऊपर, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद, सॉरी, ऊपर वापस से एरियल आ गया, वापस से हमें यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ लिख लो टाइम पास के लिए। ठीक है, उसके बाद उसकी साइज जो है सिलेक्ट ऑल करके बढ़ा लो। ये देखिए, इस तरीके से 200 कर दो, ये हो गया आपका टेक्स्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर ले आइए उसे, इस तरीके से आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। उसके बाद ये जो है, ये आपका कैलीग्राफी जो फॉन्ट आपने ऐड किया हुआ है उसका ये कैरेक्टर मैप है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से ये बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा होने के बाद अब देखिए, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऊपर मेन लेटर्स मिल जाएंगे, ये इस तरीके से मेन लेटर्स है। ठीक है, यहाँ पर उसके नीचे आपको जोड़ाक्षर्स मिल जाएंगे यहाँ तक, उसके नीचे आपको कुछ और लेटर्स मिल जाएंगे, फिर कैलीग्राफी लेटर्स है। कैलीग्राफी लेटर्स होने के बाद नीचे आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये सब वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप उनकी साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, इस तरीके से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, दिख जाएगा ये किस तरीके के लेटर्स हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे ये एंटायर फॉन्ट जो दिखाई दे रहा है ये प्रॉपरली आप में नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ किया है। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शंस मिल जाते हैं वो शायद उसमें ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, ये लैटिन होता है ना, ये लैटिन ही खाली रहेगा इसमें, ये देखिए यही तक रहेगा। तो आप बोलते रहोगे कि इसमें पूरे लेटर्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लैटिन पे क्लिक करना है और एंटायर फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पूरे लेटर में, सॉरी, पूरे फॉन्ट में जितने भी लेटर्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, इसी में से आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, चूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है, कीबोर्ड का आपको ज़्यादातर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये कीबोर्ड फ्रेंडली फॉन्ट है। कीबोर्ड में आप आसानी से टाइप कर सकते हैं जो आपको टाइप करना है। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे राधेश्याम टाइप कर लेता हूँ। र के लिए मुझे आर टाइप करना है, काना देना है एक, उसके बाद ध कैपिटल वाई में आएगा, एक आ की मात्रा, उसके बाद ई की मात्रा, फिर श के लिए कैपिटल एस, फिर एक दो आ की मात्रा और म। ठीक है, म इस तरीके से राधेश्याम, ये देखिए ये राधेश्याम हो गया कंप्लीट। अब देखिए आपको करना क्या है, जो लेटर्स आपको कैलीग्राफी में चाहिए उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ में र में जाना है। र देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ र किस तरीके के हैं, नीचे आ गया, देखिए इतने सारे र है, ये भी है, आपको डिलीट करना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको लगा लीजिए या फिर इसको लगा लीजिए, देखिए मुझे तो ये ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर आप आ की मात्रा को भी कम कर सकते हैं, ये देखिए छोटी सी आ की मात्रा मैंने यहाँ पे लगा दी, बड़ी लग गई, छोटी लगा दी। ठीक
ठीक है, ये राधे, द ई की मात्रा जो है उसको आप बैक कर लीजिए, उसके बाद नीचे आपको ई की मात्रा मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर जो ऊ की मात्रा होती है उसी के नीचे आपको ई की मात्रा मिल जाती है। देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये र धे आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारी दी गई है। उसके बाद श भी आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर श के भी वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए ये नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको डिलीट कर लीजिए। ठीक है, ये राधे श्याम, और म की आ की मात्रा जो है वो हम कैलीग्राफी में डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। उसके बाद कोई अलोम और विलोम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको अलोम विलोम भी मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए ये मैं विलोम लगा देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया, डिलीट मार देता हूँ, ये छोटा लगा दिया और आगे ज़रूरत नहीं है, आगे कोई और लेटर होता तो हम लगा देंगे। इस तरीके से आप डिजी फॉन्ट्स को आपके कोरल ड्रॉ में यूज़ कर सकते। अब कुछ कुछ केसेस में ये जो ऊपर की आ की मात्रा है वो कट हो जाती है इस तरीके से, ये पोर्शन जो है वो दिखता नहीं है, या फिर नीचे वाला ये पोर्शन दिखता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, ये जो आपकी कैलीग्राफी है उसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करना है। एक बार आपका काम कंप्लीट हो गया, आपको उसमें चेंजेस नहीं करना है तो ही इसके बाद कर लीजिए। ठीक है, ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया, अब आपका ये प्रिंटिंग के लायक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रिंटिंग से रिलेटेड भी। तो इस तरीके से आप चला सकते हैं आसानी से। दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं, कुछ लोगों के पास ये इंसर्ट कैरेक्टर नहीं होता है, बहुत सारे जो ओल्ड है उसमें, या फिर कुछ लेटर्स इसके काम नहीं करते हैं, ऐसा होता है कभी कभार। तो आपको करना क्या है, सीधे आपके यहाँ पर विंडोज़ के सर्च बार में जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिखना है कैरेक्टर मैप, CHARACTERMAP। देखिए ये आ गया कैरेक्टर मैप, ये कैरेक्टर मैप आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर भी वही फॉन्ट सिलेक्ट करना है जो आपको कोरल ड्रॉ में यूज़ करना है। तो देखिए DigiCali 01 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सारे लेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट में इनबिल्ट है वो सभी मिल जाएंगे। आपको बस यहाँ पे वो इंसर्ट करना है, नीचे आ जाएगा, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है, और यहीं से कंट्रोल सी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी करने के बाद आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको एक बार सॉरी नया टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया पेस्ट किया हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। वैसे आपको बता दूं, इसमें कोई कन्वर्टर काम नहीं आएगा। आप ये सोच रहे होगी किसी कन्वर्टर के जरिए मैं टेक्स्ट को कन्वर्ट करके इसमें डाल दूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैलीग्राफी फॉन्ट है, यहाँ पर लेटर्स के 10-10 12-12 वेरिएबल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो कन्वर्टर आपको कौन सा सिलेक्ट करके देगा। यहाँ पे आपको ये आज़ादी दी गई है कि आप कौन से भी लेटर, आपके पसंदी के लेटर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं, यही होता है कैलीग्राफी फॉन्ट। ठीक है, बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।